Thank you, Honourable Speaker. I'll be very short. I truly don't think that the Interior Ministry deserves a single rupee in this budget. And the reason being that all they've done for the last 2 years is pick up our women, our children, our disabled, and ensure they go to jails while terrorists roam free. अगर मैं आपको सर लिस्ट बता दूं पिछले दो साल में कि जितने पुलिस वालों की शहादतें हुई हैं, अफवाज पाकिस्तान की शहादतें हुई हैं, अब उन घरों में तो मैं जाती हूं, कोई तो पूछता है नहीं उन बेवाओं का। एक एक घर में छः छः बच्चे हैं, माएँ हैं, और गुर्बत वाले घर हैं ये। मरता तो बेचारा कॉन्स्टेबल ही है, सीनियर्स कहाँ मरते हैं, शहादत सॉरी। तो स्पीकर साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर अपना काम नहीं कर सकती, मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने बजट्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना पेट्रोल, कहते जी हमने 21 ऑपरेशन कर दिए एक शहर में, इतना उसमें कर दिया, और हमने ये डिफीट कर दिया, वो डिफीट कर दिया। या तो फिर इनको इंडिपेंडेंट कर दें, हर सूबे को अपनी पुलिस दे दें, बाकी इस तरह 18वीं तरमीम में है। या फिर अगर वाकई इनको इतना ढेर सारा बजट आपने देना है, इनसे सवाल जवाब कौन करेगा? कभी शरियार के पीछे घूमते हैं, कभी जरताज के पीछे, कभी मेरे दहशत गर्दों से, चोरों से इस्लामाबाद भी भर गया है, लेकिन पीछे हमारे घूम रहे होते हैं। कभी हमारे कमरों में कैमरे होते हैं, हमारे घरों में कैमरे होते हैं, जजेस के कमरों में कैमरे होते हैं, बेडरूम्स में कैमरे होते हैं। तो सर, मैं तो छोटी सी बात करूंगी कि इंटीरियर का अगर यही काम है कि पीटीआई वालों के पीछे घूमना है,